हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे हैं 12:30 और मैं सो के उठा हूँ लेट, क्योंकि सुबह लेट सोया था। और मैं ना नहाने के लिए आया हूँ, क्योंकि कल आप लोगों ने देखा होगा, कल के व्लॉग में मुझे कितना ट्रोल किया था भानु ने। तो मैंने उसे बिल्कुल नहीं बताया कि मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। टाल भी मैं खुद ही लेकर आया हूँ, इनफैक्ट मैं कपड़े भी नहीं लेकर आया, जो मुझे चेंज करने हैं वो मैं जाके मांगूँगा और फिर उसका रिएक्शन देखूँगा कि कैसे। वो जरूर ये बोलने वाली है कि तुम व्लॉग की वजह से ना आए हो, ऐसा कुछ नहीं है, नहाना डेली चाहिए, मैं डेली नहाता हूँ, वो झूठ बोल रही है। अब मैं दिखाता हूँ आपको नहाने के बाद उसका शॉकिंग रिएक्शन। तो गाइस हम नहा लिए, हम नीचे जाके देखते हैं भानु से कपड़े मांगते हैं उसका रिएक्शन क्या रहता है। वैसे जहाँ तक पक्का ये बोलेगी कि व्लॉग के चक्कर में ना आए हो, बाकी देखते, हो सकता है वो खुश भी हो सकती है। मेरे को कपड़े दे दो। गाइस मैंने बोला था ना इसका रिएक्शन शॉकिंग रहेगा, झूठ बोलती है और इसे कुछ पता होता नहीं है। मैं डेली नहाता हूँ, अब तुमने मेरे कपड़े निकाल के दे दो बढ़िया से, आई समझ? ऐसे बोलती हूँ जैसे मैं डेली नहीं नहाता। अभी नहाने लगे हो, 20 दिन 10-10 नहाते नहीं हो। आप झूठ, आप झूठ बोलते हो। हाँ सही कह रहे हो। गाइस अंदर चल रहा है शादी का डिस्कशन, अभी कुछ हुआ नहीं है जबकि पक्का, फिर भी शादी का डिस्कशन कर रहे हैं। अब जाके उनकी भी, उन्हें भी देखते हैं कि क्या 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 बातें बना रहे हैं। वो बिना बात की बातें बनाए जा रहे हैं, मैंने ये लेना, मैंने वो लेना है। चलो चलते अंदर। तो गाइस चलते अंदर, देखते हैं इनका भी। ये भी यही बोले कि हाँ तू तो लड़ाई की वजह से नहाया है, वरना तुझे तो नहाना ही है कि बेवकूफ है सारे के सारे। ओ मैं ना डेली नहाता हूँ, आई समझ में? ये ओ ये देखो कपड़े कैसे फाड़े जा रहे हैं इसके, देखो देखो देखो, इसको पतंग बना दिया। आज हमारी टीशा को हो गया बुखार, इसकी वजह से स्कूल नहीं गई। बुखार तो नहीं है तेरे को इतनी तेज? थोड़ा सा तो है। तो बेटा थोड़ा सा है तो स्कूल तो जाना था ना, कोल्ड की वजह से। मार्केट अभी थोड़ी देर में चलेंगे, किस लिए जा रहे वैसे तुम लोग मार्केट? क्या डिस्कशन चल रहा है अभी, कुछ पक्का तो होने दो बे। अरे पहले 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 सुनो, शाम को जाना, पहले डाइट लेने चल रहे यार, खाने का मेरा सब कुछ खत्म हुआ हुआ है। पापा गए घूमने। कहाँ गए पापा? दिल्ली। रमेश अंकल के यहाँ पार्टी है। उसके यहाँ किस चीज की पार्टी है? वो लड़की की शादी की। अच्छा अच्छा, मम्मी की पूजा भी हो गई, मम्मी नहीं गई। अच्छा पूजा हो गई तुम्हारी, क्या मांगा मेरे लिए? बुद्धि तो मेरे में पहले से बहुत है, तेरी शक्ल से लग रही तू नहीं नहाई। क्या तो फिर क्या करना है भाई? मंदिर की चाबी है, सालू की शादी में नहीं। मेरा तो गाइस खर्चा बच गया, मुझे तो यस मजा ही आ गया। और कौन कौन सी दवाई ले ली तूने? दवाई ले ली? दवाई खत्म। कल स्कूल जाएगा ना? कल तो जाना ही पड़ेगा। क्यों, टेस्ट वगैरह है? टेस्ट तो नहीं है, बट एक दिन की छुट्टी ले लिया, 2 दिन के लिए। तो फिर चले भाई चले, पहले डाइट लिया यार, खाने का कुछ भी नहीं है। इन्हें इन्हें काम है। तो चलो गाइस हम चलते हैं डाइट लेने, हमारी डाइट खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से आज मैंने ना तो ब्रेकफास्ट लेना कुछ लिया है। एक दिन फुल डे ऑफ ईटिंग का रूटीन भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा अपने ब्लॉग्स में, तो बने रहिए। अब चलते हैं डाइट के लिए। गाइस बाइक निकाल ले, ये भी बड़ी मुश्किल हो जाती है जब तक नहीं चल रही, जब तक ये अच्छी है। सॉरी, जब तक चल रही है, जब तक ये अच्छी है, ना चलने के बाद बहुत हैवी हो जाती है, इसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहुंच चुके हैं गाइस डाइट लेने के गोडाउन पे, चलते लेके अंदर गोडाउन के। ये पूरा गोडाउन लेना चाहो तो आप भी ले सकते हो भैया, कोशिश करना कि ऐसे बांध देना कि बाइक पे गिरे ना। गाइस खाती नहीं है मगर इसके हाथ में देने पड़े, पहली बार कुछ खुद खरीद रही है। इसमें भी कह रही है आप ले लो, आटा खरीदना सिखा रहा हूँ अब डाइट में। गाइस गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा गन्ने का जूस पी लें।
बहुत ज्यादा ठंडक देता है, शुगर होती है, मगर नुकसान वाली चीज नहीं है क्योंकि इसके अंदर नींबू डालो ना तो फैट नहीं चढ़ेगा। तो आप गन्ने का जूस पियेंगे और खुद को कूल करेंगे। कितना ठंडा है ना, मजेदार जूस है। सही है यार, डेली एक पी लो, मजा आ जाएगा। गाय पीना चाहिए, आप भी पियो। फाइनली गाय सारी डाइट अपनी कम्प्लीट हो चुकी है, अब इसको कल से स्टार्ट करेंगे। आज का दिन तो मिस करवा दिया गाइस, डाइट का कुछ पार्ट तो शुरू कर ही रखा है। ग्रीन टी ले लेते हैं, ये जो टम इतना बाहर आ गया इसको अंदर भी तो करना है। बनाना है लेमन के साथ, बड़ी लेमन और जिंजर के साथ बड़ी टफ लगती है मेरे लिए। बनाना है प्रोटीन शेक, प्रोटीन शेक हाँ okay. और दो बनाना okay. दिखाएंगे गाइस पूरे व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे आपको होल डे डाइट प्लान क्या है हमारा जो हम फॉलो कर रहे हैं। ये भी किसी ऐसे बंदे का दिया हुआ, बस ट्रेनिंग हमें थोड़ी सी और टफ करनी पड़ेगी। अराउंड 1 ईयर बाद मैं शुरू कर रहा हूँ जिम दोबारा, तो अभी मिक्स मेरा खत्म हुआ है, मिक्स वर्कआउट मेरा खत्म हुआ है, तो अब सेट्स लगाने स्टार्ट करेंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और अपना जो पर्सनल जो जिम डाला हुआ है, जिस वजह से कोविड की वजह से बार बार नहीं हो पा रहा था, इतना एनफ सेटअप है, कार्डियो का इतना नहीं है, बट जो है वो भी आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। गाय इनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है दोनों की। बोलिए बोलिए, आप भी कंटिन्यू करिए अपनी तरफ से। जिस दिन से उसकी शादी हुई है, उसे क्या सुन गए थे उसकी शादी में? यस गए थे उसकी शादी में, तुम्हें घर बैठे देखता कोई नहीं पूछता है। शादी हुई है हाँ। उसने ये नहीं कहा कि हे दीदी आप कैसे हो या कैसे नहीं हो, ये उसने 2 महीने शादी को हुए है, वो नालायक है नहीं, फिटने लायक है नहीं, वो सच बता दो। अब इनकी गाड़ी लड़ाई चलती रहेगी ऐसा ही, अब ये भी बोलेंगे ये देखो तो शुरू हो गई। उससे बात करो जो तुम्हें ढूंढ के गया। उससे क्या बात करो, तो अभी यमराज के पास टिकट बुक करवाया है उसका, तो जैसे ही वो लाइन खत्म हो गई मीटिंग चल रही है अभी, मेरे बाप ने तुम्हारे लिए कमी नहीं करी मुझे। ए तुम भी बोलने का, इट्स मदर फादर फाइट। मैंने तेरे बाप के लिए क्या कमी करी बता, तेरी माँ के लिए क्या कमी करी बता। यस यस गाइस लड़ते रहिए, देखो जैसे तुम्हारी औलाद भगवान को घुमाने ले जा, आज तक तुमने मुझे दिल्ली का कोना। ओह शिट, ओह नो, कभी मेरे साथ तुम जयमाला को भागी आए और बोलो एक बात सुन, अब तुम अकेले घूमने चले जाते हो ये बता दो मुझे। अब की जब हमारी शादी की सालगिरह आएगी तो हम चलो जयमाला पहनेंगे और तेरी ऐसी जयमाला तो पापा कहाँ ले जाओ, गोवा गोवा ऐसी जयमाला तो रोज पहनू मेरे पापा, गोवा गोवा का उल्टा ले जाऊंगा, गोवा का उल्टा वागो। किसकी जयमाला पे बगे हैं? पापा गोवा ले जा रहे हैं मम्मी को अपनी पे। ये कह रही हाँ अपनी जयमाला पे कौन भागता है? मम्मी को गोवा ले जा रहे हैं, गोवा ले जा रहे हैं और टिकट बुक करा फिर। इस एनिवर्सरी पापा फ्लाइट की टिकट बुक कर दूं फिर? हम इतने सीधे हैं, जयमाला का मतलब ना बताया। ए रहने दो तुम, पापा कह रहे हैं इतने सीधे हैं, जयमाला का मतलब नहीं पता। पापा बता तो सही कौन थी वो, क्या नाम था उनका जिनसे तुम हवा लग गई? हाँ क्यों हमारी वीडियो बना रहा है? हाँ व्लॉग में लेंगे ना, औरों को भी पता चलना चाहिए। मम्मी क्या नाम था उनका? गगन 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 आसमा 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 किसना किसना। पापा बहुत सारी लाइन है तुम्हारी, तो बहुत सारी लाइन है पापा। एक तो आज भी आती है, वाह मम्मी तुम्हें सैल्यूट है, मेरी बहन है भाई, बहुत ही बढ़िया। हाँ गर्लफ्रेंड है, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस चलते हैं भैया को लेने उनकी शॉप से, अब उनका कॉल आ गया है तो उनकी शॉप से लेके आएंगे। ड्राइव भी मुझे अभी नंगे पैर करनी पड़ेगी क्योंकि मंदिर के अंदर गाड़ी खड़ी है, तो चप्पल का यूज तो हम वैसे भी नहीं कर सकते। लेके आते हैं उनको उनकी शॉप से, तो भैया को लेने के लिए आ गए। थोड़ा सा लेट हो गए थे पेट्रोल पंप पे, जैसा कि आपने देखा क्लिप के अंदर थोड़ी सी बहस हो रही थी आपस में एक लड़के की और बंदे थे वहाँ पे जो भी उनकी पेट्रोल को लेके हो रही थी कि गाड़ी वाली साइड पे पेट्रोल क्यों भरवा लिया। यार गलत बात है, अगर तुम किसी को देख भी रहे हो अगर ये डिफरेंस है तो तुम्हें चुप रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यंग एज के लड़के जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं, कई बार सही बात भी बोलते कई बार गलत भी बोलते। तो मेरे हिसाब से तो भाई देख उसने गलत नहीं बोला था, नहीं हाँ लड़के ने गलत नहीं बोला था, गाली गलोच करना गलत बात है किसी को भी। हो गए थे, वो चीज़
वो गलत थी, हो गया गलती। चलो ठीक है जो भी हुआ, पर ये अपना तो टाइम ही खराब हुआ उसके अंदर। तो गाइस अब करते हैं अपना लंच, जो कि आज हो चुका लेट है, क्योंकि मैंने जैसा बताया था कि क्या इशू हुआ था उसकी वजह से हम पहले लेट हो गए थे, तो अब और ज्यादा लेट हो गया। तो आज का ब्लॉग रखते हैं यहीं तक, आप भी इंजॉय कीजिए अपना लंच और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर ले जरूर अपने नए नए ब्लॉग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।